तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो हमारे आधार कार्ड में जितने भी जो मोबाइल नंबर है, चाहे आपका अगर कोई से भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य हो गया है। क्योंकि हाल फिलहाल में या फिर अभी का जो समय है, ऑनलाइन का समय हो गया है, और ऐसे में जो भी काम हो रहे हैं हमारे, या फिर हम जो भी आवेदन करते हैं अभी, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का हो, या फिर पैन कार्ड, या फिर कोई और भी जितनी भी सेवाएं लगभग हम जो भी उपयोग कर रहे हैं, उन सभी में जो हमारा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है। जहां पे भी आपका आधार कार्ड लगता है, तो वहां पे आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है या फिर नहीं लगा है, वो बहुत ज्यादा मायने करता है। क्योंकि वहां पे ओटीपी बेस्ड अगर आपका ई केवाईसी होता है, फिर ओटीपी के माध्यम से अगर आपका वेरीफाई होना है, या फिर अगर आप कोई सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा, तभी आप जो उसका लाभ ले सकते हैं जो अधिकतर सेवाएं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है, इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने आप से, और देन उसके बाद अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, और अगर आपका ईमेल आईडी लिंक है या फिर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और देन उसके बाद कौन सा ईमेल आईडी लिंक है या फिर नहीं है। देन उसके बाद अब मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में जो पहले से मोबाइल नंबर लिंक है, और अगर आप उसे बदलवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तब आपको क्या करना है। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप भी जो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं, या फिर आप ये भूल गए हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या फिर कौन सा ईमेल आईडी लिंक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर इस वीडियो पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा था, तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे चैनल मतलब अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और जो प्रक्रिया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल में जो सा भी ब्राउजर आपको वो खोल लेना है। तो हम जो नॉर्मली यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं, ये लगभग हर किसी के मोबाइल में होता है, तो मैं इसी से आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसे क्रोम को खोल लूंगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आधार कार्ड का ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको इस पर आ जाना है। इस पर कैसे आएंगे, तो आप जो सिंपली सी बात है, आप जब भी क्रोम खोलेंगे तो आप इस पर ऐसे आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च मारना है UIDAI, और ये लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च मारते हैं, सिर्फ UIDAI लिखेंगे आप, ये पूरा नहीं लिखेंगे, UIDAI। और ये लिखने के बाद जैसे आप सर्च मारेंगे, तो आपके सामने जो कुछ इस प्रकार का वेब पेज खोल के आ जाएगा। देन उसके बाद आप पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आप उस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे करना है, और नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर, तो हमें इसी पे क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट के लिंक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन अगर आप वीडियो के जो लिंक पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे सब फंक्शन आप उसका सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप लिंक पे क्लिक ना करके आप स्वयं वेबसाइट पर जाए और वहाँ पे सर्च मारे। तो चलिए फिलहाल हम जो इस पे क्लिक कर लेते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाता है। देन यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है, सबसे पहला वेरीफाई मोबाइल नंबर और दूसरा वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपके पास मोबाइल नंबर मौजूद है, या फिर जो आपको लग रहा है कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप इसमें पूरे तरीके से पता नहीं लगा सकते कि ब्लाइंडली कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, आपको ऐसे ही पता चल जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको गैस करना पड़ेगा कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर लिंक करवाया है, या फिर करवा सकते हैं, या फिर करवाया होगा आपने। ऐसे करके आपको पहले अंदाज़ा लगाना है, फिर वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपको मोबाइल नंबर लगता है कि आपने लिंक करवाया है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे भी डाल देना है। और अगर आपने लिंक नहीं करवाया, तो आपको सिंपली पता ही होगा कि आपने लिंक नहीं करवाया, और अगर आपने लिंक करवाया है तो आपको जो भी लगता है मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है एक बार, फिर से वही मोबाइल नंबर सेम आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिल रहा है, वही सेम कैप्चा आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है। और अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन देखने को मिल रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से दूसरा कैप्चा मंगा सकते हैं। तो ये सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर है, जिसमें आप चेक करना चाहते हैं या फिर वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, वो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, तो मेरे को अब फिर से यहाँ पे एक कैप्चा डालना पड़ेगा। मेरा कैप्चा गलत हो गया है तो मैं दोबारा से कैप्चा डाल लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर आपके सामने भी जो कुछ इस प्रकार का रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड डज नॉट मैच विद आर रिकॉर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से क्या किसी के भी आधार कार्ड से मैच नहीं करते या फिर किसी के भी आधार कार्ड में लिंक नहीं है। तो इस बात का आपको याद रखना है कि अगर कुछ ऐसा लिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले हैं वो मोबाइल नंबर आपके नहीं बल्कि किसी के भी आधार कार्ड में लिंक नहीं है। आपके तो है ही नहीं, साथ में किसी के भी मोबाइल नंबर में सॉरी आधार कार्ड में वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो यहाँ से आपको यह पता चल जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप कैसा दिखाएगा। और अगर आपका जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है या फिर किसी भी आधार कार्ड से लिंक है तो आपका जो यहाँ पे ग्रीन कलर में आ जाएगा कि द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड विद आर रिकॉर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है वो आधार कार्ड में किसी न किसी के आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला तरीका। और भी एक और तरीका है जिसके माध्यम से इसमें हमें जो पूरा मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, देन उसके बाद हमारे सामने सिर्फ ये लिखा हुआ था कि जो आधार कार्ड के रिकॉर्ड में है या फिर नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से आप ये वेरीफाई कर पाएंगे और आपको वहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा लास्ट के जो मोबाइल के या फिर जो ईमेल आईडी के अंक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप और ज़्यादा पुष्टिकरण कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो वो जो स्टेप है या फिर वो जो प्रोसेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको जो लास्ट के कुछ अंक है वो भी आधार कार्ड के द्वारा दिखाया जाएगा आपको। तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर लिंक करवाना है या फिर बदलना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करे, कैसे जोड़े या फिर कैसे बदले। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आप कैसे कर सकते हैं। मैंने उसमें दो प्रोसेस बताया कि एक कि आप घर से कैसे कर सकते हैं, दूसरा कि आप सर्विस सेंटर में जाके या फिर जो आधार कार्ड का सेवा केंद्र होता है आप वहाँ पे जाके कैसे जो मोबाइल नंबर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।